वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने सेंसर को रीसेट कैसे करते हैं। मशीन में आने के बाद सबसे पहले हम नीचे जाएंगे, एनालाइजर मेन्यू में एंटर दबाएंगे। यहाँ पर हम नीचे जाएंगे, सर्विस मेन्यू में एंटर दबाएंगे। यहाँ पर हम फिर नीचे जाएंगे, यहाँ कैलिब्रेशन के अंदर एंटर दबाएंगे। यहाँ पर नॉर्मली हमारे से पासवर्ड मांगेगा, और अभी हमने पासवर्ड एंटर किया हुआ है। पासवर्ड 0000 है। उसके बाद हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है सेंसर रीसेट का, इस ऑप्शन में हम एंटर दबाएंगे। फुल रीसेट सेट एम्पलीट्यूड, यहाँ पे दो ऑप्शन है। फुल रीसेट में हम एंटर दबाएंगे। पोटेंशियल विल नीड कैलिब्रेशन, आर यू श्योर टू कंटिन्यू, इसके अंदर हम फिर एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने से पहले हम एक बीकर में सबसे पहले थोड़ा सा पानी ले लेंगे। ये बीकर में हमने पानी ले लिया है। इस पानी को हम ऐसे स्टर करेंगे, स्टर के अंदर यहाँ पे हम स्टर करवाएंगे। ये पानी स्टर करने के बाद हम इस वाटर को यहाँ पे प्रोब में लगाकर कंटिन्यू का बटन में एंटर दबा देंगे। फूड सैंपल वाटर इंटर सेंटर, हमने पहले ही वाटर सैंपल लगा दिया, अब हम एंटर दबा देंगे। अब ये प्रोसेस 6 बार चलेगा। हम इस प्रोसेस के एंड में आपको मिलते हैं। ये अब सेंसर रीसेट होने के बाद हमारी मशीन जो है मेन मेन्यू पे आ गई। हम एग्जिट दबाएंगे और मशीन के मेन मेन्यू पे चले जाएंगे। यहाँ पर हमारा सेंसर रीसेट हो चुका है। थैंक यू सो मच।